जिस दिन तो मैं सुरत संभाली सी उस दिन तो ही गरीबी विच पल रहा सां। एक दिन मैं मेरे बापू नूं पुछिया भी बापू कोई होर काम है नहीं तेरे कोल, क्यों सरदारां दे घर जाके गोलपुणा करदा है। बापू कहा करे पुत मैं कोई ज़्यादा पढ़िया नहीं, कित्थे करां काम की मंग, पर मैं इमानदारी की कमाई करदा हाँ, किरत करके घर का गुजारा चला रहा। कोई तेनों आख नहीं सकता भी तेरा प्यो हक की कमाई नहीं करता, जदों तू वड्डा हो गया उदों तू वधिया काम लभ लवी फड़ लिख के। बापू हस पिया, साडे कोल दो ही कोठे सन, दोहां कोठियां विच थोड़ा बहुत समान सी। एक कोठे भी मेरे बापू ते बेबे ने बहुत मुश्किल नाल पाए सी। उम्र लंघदी गई, कॉलेज विच एक कुड़ी मेरे नाल पढ़दी सी, मैनू पता ही ना लगा मैं उहनू कदों पसंद करन लग पिया, वह भी मैनू पसंद करन लग पई। कुड़ी वाले कहिंदे पहलां कुछ बन के आ फिर सोचांगे। मैं अपने घर गल करनी जरूरी नहीं समझी, एवें बिना गल तो बापू ने ज्ञान देन लग जाना सी। एक दिन दोपहर नूं मेरा मित्र पाली आया, कहिंदा वधाइयां बाई तैनू ते सारे परिवार नूं। मैं कहा की होया, कहिंदा तू डॉक्टर बन गया सरकारी। मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं सी, बेबे बापू मेरे गल लगे खुशियां छा गई चारे पासे। मैं मिठाई का डब्बा लैके कुड़ी वालियां दे घर गया ते सारी कहानी दसी। वो सब खुश हो गए, विआह लई भी राजी हो गए। कुछ समय बाद विआह भी हो गया, घर का वेड़ा खुशियां नाल भर गया सी। कुछ समय बाद घरवाली ने मैनू कहा कि आपां विदेश रहन चलीए। मैं कहा इत्थे अपने कोल की कमी आ दस। घरवाली कहिंदी मैनू तेरे बेबे बापू नहीं पसंद, आ घर नहीं पसंद। मैनू बहुत गुस्सा आया, पर घरवाली की इस गल ने मैनू सोचण लई मजबूर कर दिता। मन खुश सी, विदेश जावांगे जिंदगी नूं जिउवांगे जी भर के, पर घर किवें गल करिए यह चिंता सता रही सी। नाले सरकारी नौकरी भी जाऊगी। घरवाली कहिंदी आपां आख देवांगे कि असी एक हफ्ते लई बाहर जा रहे हां। मेरे भी गल जच गई सी, असी घर गल कीती ते बापू उठ कहिंदा पुत नवां विआह होया साडे कोल दो कु दिन होर रह लवो, तुहानू दोवां नू वेख के दिल खुश रहिंदा मेरा। पर मैं जिद कीती, बापू कोल आ गया, आखे नहीं पुत हुण तेरा विआह हो गया, हुण बच्चियां वांगू जिद ना करिया कर। मैनू गुस्सा आ गया ते मैं गुस्से विच बापू दी छाती ते जोर नाल हथ मारिया ते बापू पुंजे डिग पिया, पग लथ गई। नाले रोवे नाले आखे पुत किन्नी कु वड्डी गल सी दस, आ पग तेरे प्यो ने कदी किसे तो नहीं उतरवाई जो तू एक सकेंट विच ला के परे मारी। अखीर गप मार के हमेशा लई असी भारत छड के विदेश चले गए। रब ही जाने बेबे बापू हुणा ने किवें इन्ने औखे दिन कढ़े होने ने। समा अपनी चाल चलदा गया, दिन तो महीने महीनों तो साल लंघ गए। घरवाली दे कोई बच्चा ना होण कारण ते घरवाली दीआं इच्छावां बहुत ज़्यादा होण कारण मेरे तो पूरियां ना होईआं। घर दी शांति कलेश विच बदल गई, अखीर अक थक के असी तलाक लै लिया। एक दिन मैं बैठा सोचिया भी अज भी 22 साल हो गए ने देश तो आए नूं, ना कुछ खट्टिया गया ना कुछ बनिया, घर भी उजाड़ लिया, हुण बेबे बापू कोल भी किहड़ा मूँह लैके जावांगा। अखीर हिम्मत कर समान पैक कर लिया ते भारत आ गया। पिंड दी फिरनी वेखदे ही सुकून जिहा मिल रहा सी ते घबराहट भी हो रही सी। घर दे बूहे ते आया तां अखां विच पाणी कद आ गया, पता ही ना लगा। इन्नी सख्त मेहनत करके मेरे बापू जी ने जो घर बनाया सी अज उसकी हालत बहुत बुरी सी। घर का दरवाजा टुट के कोले कोल डिग्गा होया सी, वेड़े विच गंद खिल रहा होया सी। मैं अगे गया तो साडे घर वाले कोठे डूंगे सन। मैं अंदर गया तो माँ बोली आ गया मेरा सोहना पुत। माँ नाल इन्नी नाराजगी, पुत तू किन्ने ही साल लाते आउण विच, मेरी कीमती शर्ट मेरे हंजुआ नाल भिज चुकी सी। मैं बेबे दे पैरी हाथ लाए ते अपने किते दी माफ़ी मंगी। माँ आखे पुत कोई गल नहीं, न्याणे करदे ही हुंदे आ, पर पुत तेरे बाप ने कदे किसे तो ओए नहीं सी अखवाई, तू उसकी पग एक झटके विच ही ला दित्ती, वह भी तेरे तो नाराज़ होया बैठा। मैं कहा बेबे बहुत वड्डा पाप होया मेरे तो, कित्थे आ बापू, मैं एक बार माफ़ी तो मंग लवा। माँ ने दस्या पुत जिस वेले तू तेरे बापू की छाती ते हाथ नाल धक्का मारिया सी ते पग लाई सी वो तो बेचारा उसे दिन ही मर गया सी, पर हुण कुछ कु साल हो गए ने रब कर गए नूं,
ਉਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਦੌਰ ਹੰਡਾਇਆ ਮੈਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵਾਂ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਪ ਲੈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈਆਂ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ ਅਤੇ ਲੱਗੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਬਾਲਾ ਭੋਲਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਤੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਾ ਆਏ ਮਾਂ ਦੀ, ਪੁੱਤ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਘਟਾ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਦਾੜ੍ਹੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਹੱਸਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਸੌਂ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਕੇ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਲੈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਮਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਬਜ਼ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਸਦਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਸੌਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਵੇਲਾ ਹੱਥੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਆ ਖਲੋਤਾ ਜਿੱਥੇ ਰੋਣ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਕਹਾਣੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।